नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले नेपाल T20I ट्राई सीरीज का पांचवा मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा नेपाल वर्सेज UAE टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे पुलिस इनफो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट देते हैं। बाकी कभी कभी लिंक वर्क नहीं करें तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर टेलीग्राम पर सर्च करें @realfwp, आपको फ्रेंडशिप इन प्रोडक्शन का चैनल मिल जाएगा। 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच मॉर्निंग में सुबह 10:45 से शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है मुल्पानी क्रिकेट ग्राउंड काठमांडू नेपाल के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो अभी तक जो मैच इस ग्राउंड के अंदर खेले गए हैं, एक बैलेंस विकेट हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड पर बॉलर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर हमें देखने को नहीं मिले। सिर्फ एक ही मैच में बड़ा स्कोर हुआ था, जो कि नेपाल की टीम ने किया था 200+ का, उसके अलावा वही 150 के आसपास ही स्कोरिंग हुई है। तो अब 140 से 160 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। हालांकि नेपाल की टीम मजबूत है, नेपाल की टीम पहले बैटिंग करेगी तो UAE के सामने UAE का बॉलिंग अटैक ठीक है, तो 160 के आसपास स्कोर कर सकती है। लेकिन UAE की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो जब ये दोनों टीमें आपस में खेली थी तब भी UAE ने 140 रन बनाए थे, तो आप UAE से 140 के आसपास स्कोरिंग देखेंगे। एक ही मैच हुआ था इन दोनों का, जिसमें नेपाल की टीम जीत हासिल किया हुआ था। नेपाल ने अब तक 3 मैच खेले इस सीरीज के अंदर, 3 के 3 मुकाबले जीते हैं। 2 मैच उन्होंने हांगकांग को हराया और 1 मैच उन्होंने UAE को हराया था। UAE की टीम के 2 मुकाबले हुए हैं, UAE पहला मैच हार गई थी यहाँ पे नेपाल से, लेकिन अपना आखिरी मुकाबले जीत के आ रहे हैं हांगकांग के अगेंस्ट। तो ओवरऑल देखिए, नेपाल को ये जो 3 टीमें हैं ना, ये 2 ट्राई सीरीज हो रही, उसमें यदि नेपाल को कोई टीम हरा सकती है तो ये एक टीम है, नहीं तो नेपाल ऑलरेडी अपने होम ग्राउंड पे फेवरेट रहते हैं और नेपाल की टीम इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्टार्ट करते हैं हम नेपाल से। लास्ट गेम में इन्होंने थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में अपने चेंजेस किए थे। सोमपाल कामी को लास्ट गेम में नंबर 3 पे भेजा था। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है मैं आपको बता दूं, ये दोनों ओपन करते हैं, जो कि अभी तक सारे मैचेस ओपन करने आए हैं, कुशल रोहतर और आसिफ शेख ओपन करेंगे। नंबर 3 पे बैटिंग करने आमतौर पे आते हैं कुशल मल्ला, उसके बाद नंबर 4 रोहित पटोल का रहता है, फिर बाकी का जो बैटिंग ऑर्डर है ना ये सेम ही रहता है जो मैंने आपको बताया। लेकिन लास्ट गेम में टीम ने सोमपाल कौमी को नंबर 3 पे भेजा था, क्योंकि टीम ऑलरेडी 3 मैच अब जीत चुकी है, तो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ही। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेपाल के प्लेयर्स में बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओपनर यही दोनों आएंगे, कुशल रोहतर और आसिफ शेख। कुशल की बात करें जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन हालिया पहुंच बहुत ही खराब रहा है। जो अब तक 3 मैच खेले हैं, 2, 8 और 14 का स्कोर किया हुआ है। हालांकि इस सीरीज से पहले इनका करीब 43 का T20 में एवरेज था, तो अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा, लेकिन आप रिस्क टेकर्स हैं तो अपनी टीम में आप रख सकते हैं, बुरे ऑप्शन नहीं रहेंगे। लेकिन बस ये है कि सामने UAE का बॉलिंग टाइप भी अच्छा है। आसिफ से ओपन करने आएंगे, जो कि आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। कीपिंग करेंगे तो आसिफ कुछ आपको पॉइंट दे सकते हैं, बाकी बतौर ओपनर खेलेंगे। और तीनों मैचेस में कुछ ना कुछ अच्छा ही करा हुआ है, 20, 42 और 23 का स्कोर आया, एक अच्छा स्कोर आया था, बाकी 20 भी ठीक ठाक ठीक ही स्कोर है, क्योंकि कीपिंग करते हैं तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट देंगे, तो अपनी टीम में आप जरूर ट्राई करें। तीसरा बैटिंग ऑर्डर, हालांकि कुशल मल्ला खेलते हैं नंबर 3 पर, लेकिन लास्ट मैच में सोमपाल कामी आए थे। हालांकि सोमपाल कामी उतना कुछ खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए, सिर्फ 8 रन बनाए, 3 ओवर की बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाले, उसके पहले भी 2 विकेट और 1 विकेट, 3 मैच के अंदर 5 विकेट ले चुके हैं। मेन काम इनका बॉलिंग करना है, लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखेंगे, जीएल में सीबीसी कर सकते हैं। रोहित पटेल अच्छे बल्लेबाज हैं, अभी तक इनका बल्ला अच्छा चला है, लास्ट गेम में 11 रन किए, उसके पहले 25 और 51 के 2 नॉट आउट स्कोर थे। तो बैटिंग वाले इनकी टीम करें तो जरूर लेके जाएगा, अच्छे बल्लेबाज हैं और आपको अच्छे खासे रन बनाते हुए दिख सकते हैं। कुशल मल्ला ने लास्ट गेम में 92 की, एक अच्छे पावर हिटर है, और इन्होंने अभी जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे अपने एक फास्टेस्ट 100 भी जड़ा था। हालांकि वो मतलब काफ़ी कमजोर टीम के अंगे से आया था, मंगोलिया के अंगे से आया था, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि एक अच्छे पावर हिटर हैं और जिस दिन दिन रहता है तो बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। और 92 के अलावा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 1 और सिर्फ 11 का स्कोर है, लेकिन बीच बीच में 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर जाते हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर तो जरूर रखें, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर आए। लास्ट गेम में जब 92 की थे ना, तब मेरे वाइस कैप्टन थे, क्योंकि सामने टीम हांगकांग थी, तो मुझे लग रहा था बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन इस बार सामने UAE की टीम है, जिनका बॉलिंग अटैक हांगकांग से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो आप हर बार इनसे बड़े स्कोर को उम्मीद नहीं कर सकते। लास्ट गेम में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं डाली थी, तो आप इन्हें एक काम करना है, सेफ खेलते हैं तभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाई, नहीं एज ए प्लेयर रखिए। दीपेन सेंगर ने लास्ट गेम में 57 रन के 3 ओवर की बॉलिंग डाल के 1 विकेट निकाले। बीच में वाला जो गेम था ना, वहाँ पे ना तो इनको बैटिंग आया था और ना इनका बॉलिंग मिला था, क्योंकि वो मैच हांगकांग
के सामने था, तो हांगकॉन के सामने इन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सामने वे एक टीम है, तो आपको ये बैटिंग भी करते हुए देखेंगे प्लस बॉलिंग भी कराएंगे। पहले गेम में 34 रन के दो ओवर डाले थे, तो बढ़िया ऑलराउंडर है, सेफ ऑप्शन है किसी भी सी के। संदीप जेरा ने 1-3 का स्कोर किया, बैटिंग ऑर्डर नीचे तो आप इनको छोड़ सकते हैं। गुलशन झा भी 2-3 ओवर के आसपास बॉलिंग डाल देते हैं, हालांकि पहले गेम में इनको 2 विकेट मिले थे, आखिरी के 2 गेम से इनको विकेट नहीं मिला और बैटिंग ऑर्डर इनका आमतौर पर नीचे रहता है। करण केसी का हालिया पहुंच बहुत ही लाजवाब रहा है, स्पेशली बॉलिंग से 2 विकेट लास्ट गेम में, उसके पहले 4 विकेट 3 विकेट, तो बॉलिंग से अच्छे आंकड़े हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रतीश जी सी लास्ट मैच खेले थे जहाँ पर इन्होंने 4 ओवर की बॉलिंग कराई, जहाँ पर 1 विकेट निकाला, और ललित राजवंशी लास्ट गेम खेलते जहाँ पर इन्होंने 2 विकेट निकाले और इन्होंने 3-4 ओवर की बॉलिंग कराई थी। इस गेम में खेलते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट गेम में जैसे यहाँ पे टीम ने मासूम डागर को नहीं खिलाया, अविनाश बोरा नहीं खिलाया, इन लोगों की भी ऑप्शन हो सकती है, अविनाश बोरा खेलेंगे तो दत्त मिला लेंगे। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे नेपाल का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये देखने को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की, हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं वही की। लेकिन आपको याद दिला दूं, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे में जरूर ज्वाइन कर लें। 25,000 दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट लिंक मिल जाएगा, आपने टेलीग्राम से जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल भी लिंक है, वहीं फॉलो कर लीजिए। यूवे टीम एक मुकाबले जीती है, एक मैच हारे हैं। इस टीम के लिए आपको ओपनिंग करते देखेंगे वसीम मोहम्मद, उनके साथ ओपन करने आएंगे खालिद शाह। बात करें दोस्तों वसीम की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, अब लास्ट गेम में इन्होंने दोस्तों 40 रन किए थे, उसके पहले 70 किए थे। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, ओवरऑल इनका T20 में 44 का एवरेज है। अपनी टीम में आप इनको जरूर लेके जाएं, अच्छे बल्लेबाज हैं और बतौर ओपनर खेलते हैं, काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। खालिद शाह ने लास्ट गेम में 37 रन किए, उसके पहले वाले गेम में 0 पे आउट थे। रिसेंटली डोमेस्टिक में जो मैचेस खेले थे वहाँ परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक था। सेकंड लास्ट मैच में, मतलब इनका इसी सीरीज में इनका डेब्यू हुआ था, तो अपनी टीम में आप ट्राई करें। वृत्ति अरविंद की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर बल्लेबाज, पहला गेम नहीं खेले थे, लास्ट गेम 29 रन बनाए, साथ में कीपिंग भी इन्होंने ही करी थी। तो यदि बतौर कीपर मेंशन होते हैं तो आप वृत्ति के साथ जाइएगा। खालिद शाह थोड़ा सा एवरेज रहेंगे क्योंकि नेपाल के अंगे से 0 पे ही आउट हुए थे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अपने ओवरऑल स्टैट्स, मतलब मैं मिस कर गया लिखने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। वैसे इनके ओवरऑल आंकड़े भी कमाल के हैं और बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है वसीम मोहम्मद के बाद, तो प्रत्येक अरविंद को भी आपने जरूर रखना है। और कीपर मेंशन हो या ना हो, क्योंकि रेगुलर यही खेलते हैं इस सीरीज के अंदर, टीम ने मतलब एक यहाँ पे खालिद शाह को ट्राई किया था जिनका डेब्यू हुआ था, बाकी आमतौर पे यूवे के लिए आप वृत्ते को ही खेलते हुए देखेंगे, ठीक है। आसिफ खान की बात करें, 12-15 का स्कोर किया, ओवरऑल 27 के एवरेज है, लेकिन इस विकेट पे शायद उतने अच्छे विकेट नहीं होंगे, आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करें। अलीशान सराफ ने लास्ट गेम में 20 किया, बैटिंग ऑर्डर नीचे आप इनको छोड़ सकते हैं। वासिल अहमद बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बैटिंग से 11-51 के स्कोर 2 मैचेस में आए, ओवरऑल देखेंगे तो आंकड़े ठीक है, 17 के एवरेज है, 17 विकेट है और 36 मैचेस के अंदर। लेकिन बस यही है, बैटिंग फर्स्ट करें इनकी टीम, तभी ट्राई करेगी ग्रैंड लीग के अंदर, क्योंकि हो सकता है बैटिंग सेकंड में बैटिंग भी ना आए, और पहले भी बैटिंग करें तो नंबर 6 पे खेलेंगे, कितना ओवर मिलेंगे बैटिंग के लिए कह पाना मुश्किल है। अरी नसीर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म पेसर, कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे थे हमेशा, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर, क्योंकि पहले बैटिंग करते हैं तो बैटिंग भी आ जाती है। 4-4 ओवर की बॉलिंग दोनों मैचेस में कराई, पहले मैच में 1 विकेट, लास्ट में विकेट टच रहे और 32 रन पहले मैच में भी बनाए थे। तो इनकी टीम पहले बैटिंग करें तो अपनी टीम का आप सी और बी सी इनको बना सकते हैं। हालांकि पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर सेकंड इनिंग में कितना बैटिंग मिलेगा रिस्क जरूर रहता है। नीलांश केसवानी ने लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, पहले गेम में 1 विकेट निकाला, आप इनसे 4 ओवर पूरे देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निशित जसगियानानी 4 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, लेफ्ट आउट थ्रोक्स है। अकीबुल्ला की बात करें, 4 ओवर डाल के भी विकेट लेस रहे, ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। जहूर खान ने लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले, ये भी आपको 3 से लेकर 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, और जिस भी बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले हैं ये। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट गेम में टीम ने 5 ही बॉलर्स यूज किया था, अली नसीर, केसवानी, जसगियानानी और नीचे आपको देखेंगे रफीकुल्ला खान और जहूर। तो यही 5 बॉलर हैं, छठों बॉलर की टीम को जरूरत पड़ती है, टीम के पास ऑप्शंस हैं, जैसे वासिल अहमद को टीम ट्राई कर सकती है, लेकिन ये लोग मेन बॉलर्स का ही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, यूएई का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग यही रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन आपको याद दिला दूं, जो भी मेरा फाइनल अपडेट होगा, जो मेरी फाइनल टीम होगी, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा टॉस के बाद। ऑलरेडी 25,000 दोस्तों ने उनको ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लेकर लिंक मिल जाएगा, आप भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ से आसिफ शेख और वृत्ति अरविंद के साथ जा रहा हूँ। अरविंद लास्ट गेम में ड्रीम पे ऐड नहीं थे, इस वजह से इनका पॉइंट 0 शो कर रहा है, बाकी लास्ट गेम में उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे, कीपिंग और से अच्छे खासे पॉइंट दिए थे, बैटिंग से भी 29 रन बनाए थे, इस वजह से दोनों मेरी टीम में रहने वाले हैं। हालांकि आफ्टर टॉस में वृत्ति आदि देखिए, इस टीम के पास 2 कीपर हैं, एक तो खालिद शाह है, एक वृत्ति अरविंद है, लेकिन लास्ट गेम में कीपिंग वृत्ति ने की थी, तो यदि वृत्ति अरविंद बतौर कीपर में सुनोगे तो तभी मेरी टीम में रहेंगे, नहीं तो शायद मैं इनकी जगह कोई और प्लेयर ले लूँगा। आसिफ को आपने जरूर रखना है, नेपाल की टीम थोड़ा सा मजबूत भी है, प्लस ये कीपिंग से पॉइंट देते हैं, साथ में ये ओपन करने भी आ रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में टीम में 2 प्लेयर हैं, वसीम मोहम्मद और रोहित पटेल, दोनों ही मास्टर पिक रहेंगे, और तीसरा दोस्तों जिनको रिस्क लेना और कुशल बटलर को पिक कर सकते हैं। हालांकि हालिया पहुंच खराब रहा है, लेकिन ये भी एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, चल गए तो फिर बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और आसिफ खान को भी आप, इन दोनों को आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करिएगा, बाकी
वसीम मोहम्मद, रोहित पोडर आपके लिए मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में चार प्लेयर लिए हैं, दीपेंद्र सिंह आर्य हो गए, कुशल मल्ला हो गए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अली नसीर भी आपके लिए मस्ट हैव पिक है। और चौथा प्लेयर दोस्तों नीलांश केसवानी, जिनका मात्र अभी 24% सिलेक्शन है, लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे और दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने अपने 4 ओवर कंप्लीट किए हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बॉलर है, तो अपने भी जरूर रखें। गुलशन जहां हामिद को ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करें। बॉलिंग सेक्शन से करण केसी का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहा है इस सीरीज के अंदर, 4 ओवर लगातार डाल रहे हैं और हर मैच में 2-3 विकेट जरूर लेके जा रहे हैं। तो यदि आप सेफ खेलते हैं तो आपके लिए सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, स्पेशली बॉलिंग पहले करें तो यहाँ से जहूर खान मस्ट हैव पिक, सोमपाल कामी भी मस्ट हैव पिक, नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं करण केसी और सोमपाल कामी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ललित राजवंशी यदि खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, प्रतीश जी से ग्रैंड लीग ही ट्राई करिएगा, राजा के पुल्ला ग्रैंड लीग में ट्राई करें। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्री होगी। दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं यहाँ से दीपेंद्र सिंह एरी, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने किया अली नसीर को, दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, दोनों का बैटिंग ऑर्डर वही 5वां 6वां रहता है और साथ में आप इनसे बॉलिंग देखेंगे अच्छी खासी। अली नसीर तो 4 ओवर पूरे डालेंगे, हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी भी 3 से लेकर 4 ओवर डाल सकते हैं, तो इस वजह से मेरे सीवी सी हैं। हालांकि आफ्टर टॉस मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकता हूँ, स्पेशली यदि वे पहले बैटिंग करेगा तो शायद मैं नसीर को ही कैप्टन कर दूँ, क्योंकि उस कंडीशन में उनको अच्छा खासा बैटिंग मिल जाएगा और बॉलिंग से 4 ओवर करते ही है। इन दोनों के अलावा जो लोग सेफ खेलना चाहें वो लोग कुशल मल्ला को बना सकते हैं, लेकिन लास्ट गेम में 92 किया था और लास्ट गेम में मेरे वाइस कैप्टन थे क्योंकि हांगकांग के सामने मैच था, लेकिन इस बार सामने वे एक टीम है, हो सकता है उतना बड़ा स्कोर ना करें, लेकिन ये 3 प्लेयर्स में आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। बाकी इन तीनों के अलावा बॉलर्स में सीबीसी करिएगा जो 4 ओवर पूरे डालते हैं, जैसे करण केसी हो गए बॉलिंग फर्स्ट में, करण केसी सोमपाल कामी दोनों कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। यदि वे का पहले बॉलिंग आता तो उस कंडीशन में आप जहूर खान को भी सीबीसी कर सकते हैं। जो लोग ऐसे ऐप पर खेल रहे हैं जहाँ पे 3 बैटर लेने हैं वो लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं आसिफ खान को बढ़ते अरविंद की जगह, बाकी कोई टीम में चेंजेस नहीं रहेंगे मेरे अभी। हालांकि फाइनल टीम में यदि मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो फाइनल टीम में आपके साथ टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपने जरूर जाना है। 25,000 के आसपास लोगों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन किया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।